वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं कोई ऐसे टॉपिक नहीं लेके आई हूँ जो कि ब्यूटी केयर, हेयर केयर या भी ब्यूटी से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है। आज का वीडियो बहुत ही खास है एंड बहुत ही स्पेशल होने वाला है। सो गाइस, आज ऐसे इंसान के बारे में बात कर रही हूँ जो कि जीते जी अपने देश की रक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके शहीद होने के बाद भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं आज बात करने वाली हूँ बाबा हरभजन सिंह के। शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि भला कोई मरने के बाद अपनी ड्यूटी कैसे निभा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। लोगों की ये मान्यता है कि आज भी उनकी आत्मा सरहद पर खड़े रहकर हमारे देश की रक्षा कर रहे। लोगों का ये मानना है कि वो आज भी बॉर्डर पर रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह का जन्म आजादी से एक साल पहले 30 अगस्त 1946 में हुआ था गुजराला में, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। बाबा हरभजन सिंह की मौत करीब 52 इयर्स पहले आज के दिन 4 अक्टूबर 1968 में हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी उम्र 22 साल की थी सिर्फ। बोला जाता है नाथुला नाम के एक माउंटेन पे वो लोग तैनात थे जो कि चीन एंड तिब्बत के बीच में था। पर जब सैनिकों के लिए वो सामान ले जा रहे थे तब उनके पैर ग्लेशियर में फंस गया और उनकी वहां पर डेथ हो गई। लगातार 3 दिनों तक फौजियों ने उनके बॉडी को ढूंढने की कोशिश की पर नहीं मिला। पर यह भी माना जाता है कि बाबा अपने दोस्त के सपनों में आके उनको अपने बॉडी का पता बताया और जब 3 दिन बाद उन लोगों ने ढूंढने गए तो ठीक वही जगह पर उनकी बॉडी थी। ये पहला हैरान करने वाली बात है बाबा हरभजन सिंह के बारे में। ये तो हो गई पहली हैरान करने वाली बात, लेकिन दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि जब उनके मरने के बाद कुछ दिन बाद ही सैनिकों ने उनको आत्मा को बॉर्डर पे पहरा देते हुए देखा है। लोग ये भी कहते हैं कि जब कोई सैनिक ड्यूटी के प्रति लापरवाही हो जाते हैं तो उनको थप्पड़ मार के उनकी उनकी ड्यूटी की याद दिला देते हैं। और जब भी हमारे भारत पर कोई खतरा मंडरा जाता है तो बाबा सैनिकों को सतर्क करवा देते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार या कानून के सामने इन सब बातों का अंधविश्वास का कोई जगह नहीं, लेकिन पर भारत सरकार आज भी उनको इतना मानते हैं, उनके ऊपर इतना विश्वास है कि आज भी उनके सैनिकों के रैंक में उनकी एक जगह खाली होता है और नियमों के अनुसार उनको प्रमोशन भी किया जाता है। उनको हर साल तनख्वाह भी दिया जाता है और ये भी होता है उनके हर साल महीने में 2 महीने में उनको छुट्टी पे भेजा जाता है और तीन सैनिक मिलके उनके सामान ट्रेन पे छोड़ आते हैं और उनके नाम का एक सीट भी बुक किया जाता है। और इस समय जब बाबा जी अपने घर पे जाते हैं तो पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पे रहता है क्योंकि बाबा की कोई हेल्प सैनिकों को नहीं मिल पाता है। और ठीक 2 महीने कंप्लीट होने के बाद सैनिक बाबा जी के सामान वापस सिक्किम ले आते हैं और बाबा जी वापस अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन हो जाते हैं। सिर्फ भारतीय सेना ही नहीं, चाइना के सैनिकों ने भी बाबा हरभजन सिंह को बॉर्डर पे घोड़ों के ऊपर चढ़कर पहरा देते हुए देखा है। इसलिए हर बार चाइना और भारत के फ्लैग मीटिंग पर एक खाली कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के लिए रखी जाती है। उनकी प्रति इतनी गहरी आस्था है कि उनके लिए 2 मंदिर बनवाया गया है। पहला ओल्ड मंदिर जो ओल्ड सिल्क रोड पर बना है, जबकि दूसरा न्यू बाबा मंदिर है। ये नाथुला में ही है लेकिन डोकलाम से नजदीक। हर सैनिक अपनी ड्यूटी पे जाने के दौरान बाबा से आशीर्वाद लेने मंदिर पे जरूर जाते हैं। इस मंदिर का ये मान्यता है कि अगर उनके मंदिर पे कोई पानी का बोतल 3 दिन तक रखे, वापस फिर उसे अपने घर पे ले जाके 21 दिन तक उस पानी का उपयोग करते टाइम अगर कोई मांसाहारी भोजन ना करे तो उनकी जो भी रोग है वो सारे रोग मुक्त हो जाते हैं। और इस मंदिर में हजारों लोग, लाखों लोग हर साल घूमने भी आते हैं। मैं पिछले साल ही सिक्किम जाके आई और बाबा जी की मंदिर भी घूम के आई। ये रहा मेरे ये सब सिक्किम का फोटो। आप जाइए, वहाँ का नज़ारा देखिए, बाबा का मंदिर में जाइए, बाबा का आशीर्वाद भी लीजिए और साथ ही साथ बाबा का एक बोतल पानी भी लेके आइए। वहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगता है, आप जा सकते हैं। तो गाइज, मेरी तरफ से और मेरे सब्सक्राइबर्स के तरफ से बाबा को सल्यूट है। आज की कहानी मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। अभी मुझे घर भी जाना है, आप देख सकते हैं अंधेरा भी हो रहा है।
अंधेरा भी हो रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।